यहाँ पे आज इंडिया में Redmi का Note 10 सीरीज में एक नया फोन और लॉन्च हो गया गाइस, जहाँ पे Redmi Note 10S लॉन्च हुआ है इंडिया में। ये गाइस Redmi Note 10 के बाद जो है और Redmi Note 10 Pro दोनों के बीच का जो प्राइस डिफरेंस था उसको कंप्लीट करने के लिए गाइस इस फोन को लॉन्च किया गया है, जहाँ पे गाइस Redmi चाहता है कि हमारे हर प्राइस सेगमेंट में एक हमारा स्मार्टफोन हो, जहाँ पे सिर्फ हमारा ही स्मार्टफोन बिकना चाहिए। यहाँ पे गाइस आपको एकदम अनबायस्ड टाइप का रिव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा Redmi Note 10S का, जहां पे गाइस अभी तक आपने बायस्ड रिव्यू देख लिया होगा। तो सबसे पहले बात करें गाइस यहां पे Redmi Note 10 की डिस्प्ले से, तो गाइस यहां पे आपको 6.4 इंच का आपको एक फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा गाइस। यहां पे कोई भी आपको हायर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा और गाइस मुझे नहीं लगता इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल भी पाएगा। प्राइस की बात करें गाइस यहां पे जो प्राइस हमने बोल ही दिया है तो प्राइस भी आपको बता देते हैं यहां पे। तो गाइस इस फोन का प्राइस रखा गया है 6GB रैम और 128GB वेरिएंट का प्राइस 15,999 रुपये, और वहीं पे 6GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी वाले वेरिएंट वाले फ़ोन का जो प्राइस है वो है 14,999 रुपये। तो गाइस दो फोन लॉन्च हुए हैं जहां पे दोनों वेरिएंट 6GB रैम के साथ आते हैं और सिर्फ आपको इंटरनल मेमोरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा अलग अलग, जहां पे 64 और 128। और वहीं पे बात करें गाइस यहां पे कैमरा की, तो यहां पे गाइस आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा बैक साइड में, जहां पे गाइस आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। 64 के साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा और साथ में गाइस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। यहां पे गाइस कंप्लीट क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा और मुझे गाइस पर्सनली ऐसा लगता है कि 2 मेगापिक्सल से अच्छा जो 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है उसको 12 मेगापिक्सल कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता गाइस कि 2-2 मेगापिक्सल के जो कैमरा है वो यूज में आते हैं। और गाइस पर्सनल डे टू डे लाइफ की बात करें गाइस, तो अगर कभी कभी ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि हमको मैक्रो शॉट लेने की ज़रूरत पड़े, जहाँ पे गाइस हम लोग मैक्रो शॉट अगर हम लोग को लेना ही है तो हम लोग मेन कैमरा से भी ले सकते हैं, ऐसा पर्सनली मानना है गाइस। आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वहीं पे गाइस बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा और अच्छी बात ये है गाइस कि यहाँ पे आपको मिडिल पंच होल देखने को मिल रहा है, कोई भी वाटर ड्रॉप नॉच देखने को नहीं मिलता है। जहाँ पे गाइस आज के डेट में 5G फोन में भी आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल रहा है, लेकिन इस फोन में हम लोग को 4G है फिर भी वाटर ड्रॉप नॉच नहीं देखने को मिल रहा है। और प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक डिस्प्ले है और मिडिल पंच होल भी है, क्वार्टर ड्रॉप नॉच नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है गाइस। यहाँ पे बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो इन डिस्प्ले नहीं है यहाँ पे, अगर आप सोच रहे हैं एमोलेड डिस्प्ले है तो इन डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। यहाँ पे आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा जो कि लॉक बटन के साथ अटैच्ड है, वहीं पे वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलेगा बगल में। और साथ में गाइस सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे अच्छी लगी कि यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको देखने मिलेंगे गाइस, यहाँ पे दो स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक जो है टॉप साइड और एक आपको बॉटम साइड देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइस। यहाँ पे आपको 3.5mm जैक भी देखने को मिलेगा, IR ब्लास्टर जो कि एक Redmi की पहचान है, और वहीं पे गाइस आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। बात करें चार्जिंग की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी के साथ 33W का चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिलेगा टाइप सी केबल के साथ। यहाँ पे गाइस C2C नहीं है, यहाँ पे A2C आपको देखने को मिलेगा। पॉलीकार्बोनेट जो है यहाँ पे बैक आपको मटेरियल यूज हुआ है यहाँ पे मैट फिनिश के साथ। और गाइस अब आ जाते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट पे, यहाँ पे गाइस आपको MediaTek का Helio G95 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा प्रोसेसर है गाइस। अगर बात करें जो Redmi का Note 10 था उससे थोड़ा सा और अपग्रेड किया गया है इस फ़ोन को, जहाँ पे गाइस वहाँ उस फ़ोन का प्रोसेसर एकदम एवरेज टाइप का लगता था, 600 सीरीज़ का आपको उसमें प्रोसेसर देखने को मिलता था, और यहाँ पे थोड़ा सा गाइस अपग्रेड किया गया है, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। और यहाँ पे गाइस आप गेमिंग वगैरह ठीक ठाक से कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत लैगिंग इशू आपको देखने को मिलेगी इसमें नो डाउट, क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर आप 730G प्रोसेसर के साथ भी बहुत अच्छे से गेमिंग वगैरह करते हैं हाईयर ग्राफिक्स में हाई सेटिंग्स में, तो भी आपको लैग इशू हीटिंग थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। तो ये तो गाइस G95 है तो इसमें भी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, बाकी और कोई परेशानी आपको नहीं होगी, आप गेमिंग वगैरह आराम से कर सकते हैं। अगर लोअर सेटिंग में करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ओवरऑल प्राइस के हिसाब से बात करें गाइस, तो फ़ोन जो है ठीक ठाक प्राइस में लॉन्च हुआ है, लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि Redmi का जो Note 10 आया था वो एक बहुत अच्छे प्राइस के साथ लॉन्च हुआ था, जहाँ पे सब लोग कमेंट कर रहे थे कि बेस वेरिएंट उसका लेना चाहिए, तो बेस वेरिएंट को गाइस लॉन्च ही नहीं किया गया, मतलब वो आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा था, उसका स्टॉक कभी अवेलेबल हुआ ही नहीं Amazon में। और जब
अवेलेबल हुआ गाइस तो वहाँ पे ₹500 उसका रेट इंक्रीज हो गया था, ₹500 उसको बढ़ा के अमेजोन में अवेलेबल किया गया, जहाँ पे गाइस ये फुल्ली प्लान था, मुझे ऐसा लगता है प्लानिंग के साथ सब कुछ हुआ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे गाइस रिक्वेस्ट करता हूँ रेडमी इंडिया से कि प्लीज़ ऐसा मत करना इस वाले वेरियंट के साथ, जहाँ पे गाइस सही प्राइस के साथ इस फ़ोन को लॉन्च किया गया है। और मुझे लगता है गाइस इस प्राइस के हिसाब से और भी बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड है जो बहुत अच्छा अपना फ़ोन लॉन्च कर चुके हैं, जहाँ पे गाइस आप मोटरोला का G40 भी आप देख सकते हैं, जो कि एक अच्छा खासा आपके लिए डिवाइस हो सकता है, जहाँ पे उसकी स्क्रीन जो है वो बड़ी साइज़ की है। तो अगर आपको बड़ी साइज़ की स्क्रीन पसंद है तो आप उसके तरफ भी जा सकते हैं। जहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पे आपको बेटर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा गाइस, और सेम प्राइस रेंज के आसपास ही उसका प्राइस भी। तो अगर आप उसके तरफ जाएंगे तो आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। बाकी ये फ़ोन भी बुरा नहीं है गाइस, मैं नहीं कहता कि ये फ़ोन बुरा है, ठीक ठाक है। बट गाइस आपको पता है यहाँ पे Redmi जो है अपने लॉन्च इवेंट में अपने UI का बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया था, बहुत जो है MIUI 12 जो हम लोग लॉन्च किया है अभी 12.5 कुछ था समथिंग, जिसमें बहुत सारी चेंजेस हुई है, आपको ब्लोटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी, एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूं गाइस कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत इधर उधर कर दिया गया है, जहाँ पे ब्लोटवेयर पहले से भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्लीन UI पहले से हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। जैसा अगर कोई भी Redmi यूज़ करता है तो उसको पता है UI का एक्सपीरियंस कैसा है गाइस, तो आप समझ सकते हैं वही एक्सपीरियंस रहने वाला है गाइस, बस जो है वर्जन को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, बाकी आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला, यहाँ पे कोई खास डिफरेंस ऐसा नहीं है। तो गाइस सीधी बात, अगर आप इस फ़ोन को बाय करना चाहते हैं तो अगर आप इसका UI को झेल सकते हैं तो आप इस UI के साथ इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। नो डाउट गाइस ये फ़ोन बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन और बहुत अच्छे प्राइस के साथ लॉन्च हुआ है, जहाँ पे गाइस इस प्राइस रेंज में और बहुत सारे ब्रांड्स है, अच्छे ब्रांड्स है, जहाँ पे अच्छे अच्छे फ़ोन आपको देखने को मिलेंगे। तो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।